आजकल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपति हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि
पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा।